हरिः ओम् नमो नमः। प्रथमः स्कन्दः नवमोऽध्यायः त्रिचत्वारिंशत्तमः श्लोकः। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवति मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सुन्तस्वास उपारमः सुन्तः स्वास उपारमः ततः अर्थात भीष्मेन स्तवनं कृतं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहः। हे परमात्मन, अहम् त्वां प्राप्तोऽस्मि, विगत भेद मोहः त्वां प्राप्तः अस्मि। तदनन्तरं सूतः कथयति किं जातम्। एवं कृष्णे भगवति, एवं अनेन प्रकारेण कृष्णे भगवति, भगवती कृष्णे, परमात्मनि कृष्णे, जगदीश्वरे कृष्णे, तेन विश्वेन मनोवाग् दृष्टिवृत्तिभिः अर्थात् वाक्काय कर्मभिः प्रत्यगात्मानमावेश्य आत्मानम् आत्मनि आवेश्य सः भीष्मः अन्तर्लीनश्वासः अर्थात् घटाकाशात् महाकाशः अर्थात् सः परमात्मनि अन्तर्लीनः सञ्जातः, भगवती संप्राप्तः। अनेन प्रकारेण भगवती एषः सर्वेपि पश्यन्तः, एषः समाविष्टः। इसी तरह भीष्मपिता मह मन वाणी और दृष्टि से, मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी ही, मन की वृत्ति, वाणी की वृत्ति, दृष्टि की वृत्ति एक लक्ष्य बना दिया और आत्मानी आत्मनी आत्मानम आवेश्य आत्मा में परमात्मा को बैठा करके अंतिम श्वास ले लिया। अंतस्वासमुपारम कितना मंगल। वैसे तो मरण शोक है, लेकिन ये शोक नहीं है, ये तो श्लोक है। क्योंकि जैसे ही अंतिम श्वास हो, स्वयं कृष्ण सन्मुख हो, वो भी चतुर्भुज में दर्शन देते हो, प्रसन्न मुखारविंद हो, अपने ही सारे के सारे स्वजन साथ में हो और सबके सामने स्वस्थ वृत्ति से, मन से, वाणी से और दृष्टि से, हर तरह से आत्मा में परमात्मा को बैठाते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, जैसे ही अंतिम श्वास अपना श्वास परमात्मा में यदि छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं, तो ये मरण भला थोड़ा है, ये तो मंगल है, ये शोक थोड़ा है, ये तो श्लोक है। भगवान के श्री चरणों में अपनी आत्मा को, परमात्मा के श्री चरणों में छोड़ दिया। हरि शरणम मम हरि शरणम।